दलीप ट्रॉफी में एक बार फिर से भाई संजू सैमसन का धमाका देखने को मिला है। इंडिया बी और इंडिया डी के बीच जो मैच खेला जा रहा है, जो तीसरे राउंड का मैच है, जहां पर इंडिया डी पहली पारी में 349 रन पर ऑल आउट हुई थी और जहां पर आप सभी के फेवरेट संजू बाबा ने 101 गेंदों में 106 रन जड़ दिए थे, 105 का स्ट्राइक रेट था, 12 चौके थे और 3 छक्के थे। और वहीं पर कप्तान श्रेयस अय्यर उस पारी में डक पर आउट हुए थे, यानी कि जीरो पर आउट हुए थे। अब जब आई इंडिया डी की दूसरी पारी तो वहां पर सेकेंड इनिंग में यानी कि दूसरी पारी में श्रेयस अय्यर जो कप्तान थे उन्होंने 40 गेंदों में 50 रन बनाए, वहीं संजू सैमसन 53 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए और उस 45 रन में उन्होंने 5 चौके मार दिए थे और 2 छक्के जड़ दिए थे। मुकेश कुमार ने उन्हें आउट जरूर किया, बट जिस तरह से संजू सैमसन ने एक ताबड़तोड़ पारी खेलने की कोशिश की उससे ये साफ हो गया कि यार संजू सैमसन इंटेंट दिखा रहे हैं। भले ही यह 4 दिन का टेस्ट मैच टाइप का है, बट फिर भी संजू सैमसन ने जिस तरह से इंटेंट दिखाई, पहली पारी में ताबड़तोड़ शतक मारा, दूसरी पारी में भी वो तेज तर्रार खेल रहे थे। 53 गेंदों में अगर कोई बंदा टेस्ट में 45 रन बना रहा है तो भाई काबिल की तारीफ की बात तो है ही, साथ ही साथ 5 चौके और 2 छक्के, ये चीज़ दर्शाती है कि संजू सैमसन के बल्ले से जो बॉल है वो अच्छे से कनेक्ट हो रही है। बस अब बात है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए और लगातार मिलना चाहिए और ये बंदा फिर से टीम इंडिया के लिए लगातार खेल जाएगा। बट जिस तरह से दलीप ट्रॉफी में फिलहाल इंडिया डी की टीम जिस तरह से लीड कर रही है और इनके पास अभी भी 311 रन की बड़ी भारी भरकम जो लीड मौजूद है और अभी भी इनके पास काफ़ी बल्लेबाजी शेष है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो चौथा दिन रहेगा वहाँ पर इंडिया डी बहुत अच्छा टारगेट दे सकती है और हो सकता है कि इंडिया बी को ऑल आउट भी कर दे। हालांकि चांसेस बहुत कम है, बट इंडिया बी की भी अगर टीम देखी जाए तो वहाँ पर मुशीर खान और सूर्य कुमार यादव जैसे जो सितारे हैं वहाँ पर मौजूद है, बट उसके बावजूद इंडिया डी फिलहाल इंडिया बी पर डोमिनेट कर रहा है और इसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो संजू सैमसन की है, क्योंकि पहली पारी में अगर संजू सैमसन का वो बड़ा शतक नहीं आता तो शायद इंडिया डी की टीम 350 रन नहीं बना पाती और लगभग 200-250 के अराउंड ऑल आउट हो जाती। पर संजू सैमसन जिस तरह से टिके रहे और लगातार रन बनाते रहे, स्पीड उन्होंने कम नहीं होने दी, रन रेट कम नहीं होने दिया और जिस तरह से वो लगातार दलीप ट्रॉफी में बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई कमाल है। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं हो रही है, बट फिर भी जिस तरह से संजू सैमसन का हम स्कोर कार्ड देख पा रहे हैं वहाँ पर साफ दिखता है कि यार संजू सैमसन के बल्ले से इस दलीप ट्रॉफी में बॉल अच्छे से कनेक्ट हो रही है और यही जो है सिलेक्टर को अब आगे का काम करना पड़ेगा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो 3 मैचों की T20 सीरीज़ है वहाँ पर संजू सैमसन को मौका दिया जाए ताकि संजू सैमसन इस फॉर्म को जारी रखें और जो श्रीलंका सीरीज में उनके साथ हुआ वो उसे भूलकर वो आगे बढ़े। और सेलेक्टर्स को भी ये चाहिए कि वो संजू पर एक बार फिर से भरोसा दिखाएं, क्योंकि संजू का बैट अभी चल रहा है तो ये एक भरपूर मौका है संजू को फिर से टीम इंडिया में वापस लाने का और बांग्लादेश के खिलाफ एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर टेस्ट करने का। आपको संजू सैमसन की पारी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।